नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान डीआरडीए के अधिकारियों व कर्मचारियों ने लिया कोविड वैक्सीन। सिवान जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने गुरुवार को सदर अस्पताल में कोविड वैक्सीन का पहला डोज लिया। सबसे पहले डीआरडीए के निदेशक मृत्युंजय प्रसाद ने वैक्सीन लिया। इसके पश्चात डीपीओ मनरेगा दिलीप पासवान, वरीय लेखा पदाधिकारी राजीव रंजन, लेखा पदाधिकारी नृपेंद्र कुमार, कार्यपालक अभियंता सुरेश चौधरी, सहायक अभियंता राजेश कुमार, मुकेश कुमार सिंह, सहायक अरुण सिंह, कार्यपालक सहायक राकेश तिवारी, प्रमोद कुमार, उत्तम कुमार, ना आलोक कुमार ने लिया। इस मौके पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार पांडे ने कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज लिया।